तो चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात कर लेते हैं बलौदा बाजार की। असामाजिक तत्वों के द्वारा गिरोदपुरी धाम में जैत खाम को खंडित करने से नाराज सतनामी समाज आज बलौदा बाजार में बड़ा प्रदर्शन करने वाला है और इसको लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। आपको बता दें कि सतनामी समाज मामले की सीबीआई जांच की मांग कर इसको लेकर घेराव कर रहे हैं। घटना के मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ अजय यादव बलौदा बाजार से लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, अपडेट दीजिएगा, जिस तरीके से असामाजिक तत्वों की ये हरकत देखने को मिल रही है, अब सतनामी समाज नाराज हो गया, नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि अब प्रदर्शन होगा। जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये बलौदा बाजार की गिरोदपुरी धाम अमर गुफा का मामला है। कुछ दिन पहले सामाजिक तत्वों के द्वारा जो अमर गुफा का जो जैत खाम है उसको खंडित कर दिया गया था, वहीं उस समय कुछ दिन बाद 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सतनामी समाज वाले उससे असंतुष्ट थे। वही हम दिखाना चाहेंगे। कलेक्टर कार्यालय उसका घेराव करने के लिए आज तत्पर है। वही आज दशहरा मैदान से सभी जो सतनामी समाज के लोग हैं वहां पे एकत्रित हुए। आप देख सकते हैं कि ये कलेक्टर आपके पास रोकना चाहूंगे, एक बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट दे दे। जैत खाम में तोड़फोड़ मामले में अब न्यायिक जांच होगी, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने आदेश जारी कर दिया। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर इस बात का जिक्र किया है कि इस पूरे मामले में अब जांच होगी। पवित्र अमर गुफा में 15-16 की दरमियानी रात को पूज जैत खाम को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के निर्देशानुसार सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली इस घटना की न्यायिक जांच करवाई जाएगी। तो ये पोस्ट देख लीजिए, एक्स पर पोस्ट किया है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने। उन्होंने कहा है कि 15-16 में दरमियानी रात को जो पूज जैत खाम को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है, इस घटना की न्यायिक जांच करवाई जाएगी। यह आदेश मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के निर्देशानुसार सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई करने की बात करते हुए विजय शर्मा नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मामले में लगातार हमारे साथ अजय जुड़े हुए हैं और न्यूज रूम से रवि मेरी मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, हम लगातार देखते हैं कि जिस तरीके से चीजों को गलत तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है, या ये जो ताजा मामला जैत खाम में तोड़फोड़ की गई, अब सतनामी समाज एक बार फिर से नाराज हो गया। और कई बार हमने देखा सतनामी समाज की नाराजगी महंगी तो पड़ जाती है। रसिका, निश्चित रूप से सतनामी समाज लगातार एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अमर गुफा में जैत खाम को तोड़फोड़ किया गया था उसके बाद से सतनामी समाज लगातार नाराज है। और नाराज इसलिए है क्योंकि इस पर न्यायिक जांच अब तक नहीं हुई है। हालांकि पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, 3 लोग जो बिहार के रहने वाले थे, जो ठेकेदार से उनके विवाद हुआ था जिस कारण से उन्होंने तोड़फोड़ किया था। और उसके बाद जो राज्य के यहाँ आरंग से विधायक है गुरु खुशवंत साहब और बालदास जो गुरु है सतनामी समाज के, तो दोनों ने जाके वहां पर फिर से जैत खाम की स्थापना की थी, पालो चढ़ा के पूजा अर्चना की थी। उसके बावजूद भी सतनामी समाज के जो क्षेत्रीय नेता है और सतनामी समाज के जो लोग हैं वो लगातार नाराज। चलिए, अब रवि, नाराजगी दूर भी होगी क्योंकि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जो लगातार एक्शन मोड पर नजर आते हैं, उन्होंने कह दिया है कि न्यायिक जांच भी कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। रवि, लौटूंगे आपके पास, एक बार अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, बताइएगा वहां इस वक्त स्थिति कैसी है, सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है। जी, मैं बता दूं कि ये जस्ट कलेक्टर कार्यालय के कुछ दूर पहले ये जो सतनामी समाज के जो है जितने भी यहाँ के युवा है सारे के सारे जो है कलेक्टर घेराव के लिए अभी आए हुए हैं। देख सकते हैं पुलिस बैरिकेटिंग है और वहाँ के जितने भी युवा है वो पूरी तरह कलेक्टर घेराव तक, कलेक्टर परिसर तक पहुँचने के लिए तत्पर है। लेकिन ये जो आज का जो घेराव जो है लौदा बाजार के कलेक्टर घेराव का, ये जो है सतनामी समाज के द्वारा जो सीबीआई की मांग के लिए जो आज कलेक्टर परिसर का जो है वो घेराव किया गया है, वही उप मुख्यमंत्री
जो विजय शर्मा जी है जो न्यायिक रिमांड की बात भी ट्वीट के माध्यम से कही है। जी बिल्कुल, तो देखिए न्यायिक जांच की मांग भी हो गई है रवि, लेकिन इस वक्त ना एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर असामाजिक तत्व जिस तरीके से लगातार इस तरह की हरकत करते हुए, आखिर उनकी क्या कोशिश रहती है, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं जिस तरीके से इस बार असामाजिक तत्वों ने किया जैद खाम को तोड़फोड़ कर। जी रवि, रसिका देखिए असामाजिक तत्वों के द्वारा जो तोड़फोड़ किया गया था वो समाज में बहुत बड़ी नाराजगी का कारण बना और अब सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है कि समाज को कैसे उनको समझाया जाए, क्योंकि लगातार समाज ये कह रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, केंद्रीय जांच होनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने न्यायिक जाँच की घोषणा कर दी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसके लिए ट्वीट करके जानकारी दे दी है कि इस मामले में न्यायिक जाँच हो। उनको यह आभास था कि अगर सतनामी समाज के लोग एकजुट हो गए और सभी के सभी धरना प्रदर्शन लगे तो ये एक दिन का प्रदर्शन नहीं होगा, आने वाले समय में बहुत बड़ा ये प्रदर्शन हो सकता है, इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए न्यायिक जांच का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन सतनामी समाज के जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं और आज बलौदाबाजार जिले में कलेक्टर घेराव करने के लिए दूर दूर से, सिर्फ रायपुर से नहीं, बलौदाबाजार से नहीं, आसपास के और जिलों से वहां से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सारंगढ़ से लोग आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन वहां पर देखने को मिलेगा। और जो जिस प्रकार से न्यायिक जाँच की बात कही गई है, तो न्यायिक जाँच जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन रसिका वो पूरा मामला क्या था उसको भी मैं समझाना चाहूँगा, क्योंकि अगर इसको समझा दिया जाए तो दर्शकों को ये समझ भी आएगा कि सतनामी समाज आखिर नाराज क्यों है। तो उनकी नाराजगी के पीछे कारण ये था कि 15-16 मई जो पिछले महीने के रात में हुआ ये था कि कुछ ठेकेदार है जो वहाँ पे पानी टंकी का निर्माण करवा रहे थे, पास में ही एक गाँव था और पानी टंकी का निर्माण लगभग 90% हो गया था और उनको पैसा देना था 3 लाख रुपये ठेकेदार के द्वारा, और ठेकेदार जो है वो सतनामी समाज का था और उस ठेकेदार ने पैसा नहीं दिया, इसी कारण से वो जो 3 लोग थे, जो काम करने वाले लोग थे, पानी टंकी का निर्माण करने वाले लोग थे, वो नाराज हो गए और उसकी नाराजगी का बदला लेने के लिए उस समाज के जो आदर्श है, उस समाज का जो पूजा स्थल है वहां पे जाकर उन्होंने आक्रमण किया और रात को वहां के जो जैत खाम है उसको उन्होंने काट दिया। इसको काटने के बाद से वहां सतनामी समाज के लोग लगातार नाराज होते गए और इस पर जांच की मांग की जा रही थी, लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी चली गई। 1 महीने तक सिर्फ उनको गिरफ्तार किया गया लेकिन कोई इसमें न्यायिक जांच नहीं हुई, इसीलिए समाज लगातार नाराज था और नाराजगी का कारण है कि सरकार ने न्यायिक जांच की बात कह दी है। लोग मांग कर रहे हैं कि इस पर सीबीआई जांच हो, आगे जांच में क्या कुछ पहलू सामने आते हैं, क्या आगे कंडीशन बनती है, उस पर भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए रवि और अजय आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।